समाजों को दबाव दिया तो उन लोगों ने क्या किया कि नया संविधान जो बनाया करीब करीब आज से 600 वर्ष पहले वो वो संविधान जो है मनुस्मृति के आधार पर जाति में बांट दिया तो हमारा नेपाल का समाज भी तो उस जमाने से जो है बौद्ध बिहार कुछ कमजोर होने लगे लेकिन हम लोग जनता जो है बुद्धिस्ट है तो हम जो है अपने को बर्चो से बचाए रखे लेकिन हिंदू राज्य जो है वो नहीं कहता था उसमें हिंदू संस्कृति भी ठप आ गया लेकिन बौद्ध संस्कृति बहुत स्ट्रांग था राजा से भी बहुत स्ट्रांग जनता थे तो जनता लोग जो है अपने बौद्ध संस्कृति को बचाए रखा था लेकिन करीब ढाई सौ वर्ष पहले एक शाह राजा आया वो पहाड़ी पहाड़ से पश्चिम पहाड़ से आया था तो उनने जो है बहुत ही दबाव के साथ बहुत दमन करके उसमें जो है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहा था लेकिन हिंदू का बहुत ही जोरदार राज्य का जो नीति बनाया और ऑफिशियली कानून तो हिंदू राज्य जो है करीब करीब पचास वर्ष ही हुआ नेपाल के जो पचास वर्ष okay. आगे जो संविधान बना था hmm. उसमें जो है राजा ने हिंदू राज्य कह दिया उसमें व्यवस्था क्या थी हिंदू राष्ट्र में समाज की व्यवस्था और राष्ट्र की व्यवस्था कैसी चल रही वो हिंदू राष्ट्र संविधान में तो कहा लेकिन वो राजा और शासन में जो शासन करते थे सिर्फ वो लोग जो है शासन में थे जैसे ब्राह्मण और ये जो शाह जो है राजपूत छत्री इन लोग जो है वो हिंदू मनुस्मृति के आधार पर वो शासन का अधिकार उन लोगों ने लेकिन जनता जो है वहाँ अधिकांश जनता बुद्धिस्टी थे तो वहाँ क्या था कि जनता जो है आ, शासन से ज़्यादा प्रभावी नहीं थे वो आत्मनिर्भर समाज थे इसलिए राजा लोग आते हैं जाते हैं और अपना वो करते हैं लेकिन लेकिन क्या हुआ कि ये जो शाह राजा हुआ 250 वर्ष पहले तो करीब करीब 150 वर्ष पहले वहाँ कुछ ये फिर कड़ी ये हिंदू मनुस्मृति के आधार पर जो शासन चला है तो उसने जो है जो आप मैंने कहा ना काठमांडू में 500 बुद्ध बिहार थे वो बुद्ध बिहार जो है ये लिछवी काल में जो व्यवस्थापन हुआ संस्कृति विकास हुआ उसमें जमीन था तो जमीन से जो अनाज आते थे उससे बिहार संचालन होता था तो ये जो 150 वर्ष पहले वो राणा राणा शासन कहते हैं उन लोगों ने वो जमीन भी छीन छीन लिया बिहारों का जमीन छीन लेने के बाद लेकिन क्या हुआ कि अब 150 वर्ष पहले का जो था वो नेपाल में उस उसमें उस से वो हिंदू करीब करीब वो शासन चला लेकिन हम लोगों ने जो करीब तीस वर्ष पहले आ, हमने क्रांति शुरू कर दिया जनता ने तो तीस वर्ष पहले जो है बहुदल ये लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुआ लेकिन राजा भी थे इतना स्ट्रांग तो नहीं थे सर ये जो हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है इसमें जो शासन व्यवस्था में लोग थे सिर्फ वही पर हिंदू थे और हिंदू कहने का मतलब कुछ हिंदू कहने का मतलब जो है कुछ ब्राह्मण और ये छेत्री जो है वो छेत्री नहीं था उसको छेत्री बनाया ब्राह्मणों ने वो करीब करीब नेपाल में सोलह सत्तर प्रतिशत जनसंख्या है वो उन लोग समझते थे उसके हाथ में शासन है लेकिन अब जो है नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ पंद्रह सत्रह वर्ष आगे वहाँ एक लड़ाई जन युद्ध हुआ था जनता और शासन के बीच उसमें सशस्त्र युद्ध हुआ हिंसा करीब करीब सत्रह हजार लोग मारे गए दोनों तरफ से तो राजा अपदस्त हुआ अब राजा जो है वहाँ नहीं है अब हिंदू राजा जो कहते थे हिंदू राज्य थे हमने जो है नौ वर्ष सात वर्ष पहले नया संविधान जो बनाया था वो इंडिया का जो बाबा बाबा साहब ने बनाया संविधान है उसी से जो है बहुत ले लिए हैं हमने उसमें जो है जातीय व्यवस्था समाज सामाजिक व्यवस्था सब उसमें से ले लिए और अब जो है वो गणतान्त्रिक मुलुक है राजा जो है अब नहीं है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है करीब सत्रह वर्ष से चल रहा था लेकिन करीब करीब आठ आठ वर्ष आठ आठ नौ वर्ष जो है वो संविधान लिखने में संविधान सभा करके लिखने में गया उसी में राजतंत्र भी चला गया था वो धर्मनिरपेक्ष भी हो गया था धर्मनिरपेक्ष होने से हिंदू राज्य भी नहीं रहा क्योंकि बहु बहुसंख्यक जनता जो है बुद्धिस्ट है नेपाल में हा? वो सरकारी तथ्यांक में तो वो लो वो लोग मिथ्यांक है उसमें जो है दस बारह दस प्रतिशत बुद्धिस्ट दिखाते हैं और अस्सी प्रतिशत हिंदू दिखाते हैं लेकिन वो गलत है वहां हिंदू कितना है कि सिर्फ ब्राह्मणी हिंदू है वहां अच्छा। जो क्षेत्रीय लोग कहते हैं राजपूत लोग वो अब जो है अभी अभी जो पाँच दस वर्ष हो गया तो उन लोगों के जान लिया कि वो क्षेत्रीय वो क्षेत्रीय राजपूत नहीं है वो भी आदिवासी है वहाँ खस कहते हैं खस जो पश्चिमी पहाड़ पर है वो लोगों को क्षेत्रीय बनाया गया था लेकिन अब लोग वो अब जान गए कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है तो वो लोग कह रहे हम क्षेत्रीय नहीं है हम हिंदू भी नहीं है वो लोग जो है उसका इतिहास में वो बौद्ध थे वो जो है उनका ये ख़ास साम्राज्य जो था वो बौद्ध साम्राज्य था क्योंकि अभी भी वहाँ पुरातात्विक अवशेष सब बौद्ध हैं उन लोगों के नेपाल में जो ब्राह्मण जो है भारत से आए हुए हैं वो 500 वर्ष से आगे नहीं था नेपाल में ब्राह्मण नहीं थे सिर्फ 500 करीब करीब 500 सौ वर्ष हो गया आ, तो नेपाल में ब्राह्मण नहीं थे अभी भी काठमांडू में जो वहाँ का मौलिक समाज है वहाँ ब्राह्मण नहीं है जो नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू उपत्य का वहाँ के जो मूल वासी जो है हम लोग नेवार कहते हैं जैसे मैं शाख्य हूँ कोई श्रेष्ठ हो कोई महर्जन होगा वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है वो जितना ब्राह्मण काठमांडू में है वो 800 वर्ष पहले पांच परिवार आए थे उसी का जो है संतान बाकी रहा है भारत में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की जा रही है कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना है नेपाल की तरह लेकिन अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं रहा हट गया लोकतंत्र है और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है इसको कैसे देखते हैं सर ये उल्टा हो रहा है हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाया था थोड़े पचास वर्ष करीब करीब हम लोग उसका हमने दुख दुख ले लिया तो उसने बहुत ही लोगों को में लोगों में जो है विभाजन निर्माण किया तो हमने उसको जो है विरोध करके जन युद्ध करके उसको फेंक दिया था हा ना हिंदू राज्य और हिंदू राजा भी फेंक दिया था है। क्योंकि हिंदू राज्य के पास एक राजा भी आता है तो हिंदू राज्य सिर्फ हिंदू राज्य नहीं होता राजा होना चाहिए हिंदू राज्य की व्यवस्था में राजा का स्थान होता है तो आप भारत में फिर नया राजा क्रिएट करेंगे क्या <laughs> भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर यह हिंदू राजा भी राजा बिना हिंदू राष्ट्र नहीं, नहीं होता है आपको जो हिंदू का शास्त्र जाति व्यवस्था तो, के बिना भी हिंदू नहीं जाति व्यवस्था के बिना भी हिंदू तो हम लोगों ने वो जो हिंदू राष्ट्र हिंदू राज्य हिंदू राज्य कहते थे उसको फेंक दिया इसको फेंकने के लिए राजा को भी फेंकना पड़ा और जाति व्यवस्था को भी हम लोग जो है फेंक रहे हैं हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं हम लोग जो है ब्राह्मण भरस हम भी वहाँ मूल निवास मूलवासी का जो है एक संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं क्योंकि समाज में पुनर्निर्माण करना है तो भारत जो है उल्टी दिशा में जा रहा है क्योंकि उससे मुक्ति होने के लिए हम लोगों ने वहां जो है एक युद्ध करना पड़ा हाँ सत्रह हजार लोग भी मर गए अब यहाँ जो है फिर हिंदू राष्ट्र ले जाने के लिए जो अभी राजनीतिक पार्टी जो है बीजेपी है ना वो जो है कर रहा है वो तो उल्टे दिशे में जा रहा है तो मुझे ताजुब लग रहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र चला गया में चला गया तो यहाँ शांति नहीं होगा यहाँ अशांति होगा और हिंसा होगा क्योंकि इसमें जो है कुछ लोग दूसरे लोगों को दमन करते हैं शोषण उत्पीड़न देते हैं तो आज के ज़माने में कोई भी शोषित उत्पीड़ित होकर सहकर नहीं बैठ सकते क्योंकि आज का जो विश्व जो है लोकतांत्रिक उसमें है सब समानता का वो करना चाहिए तो भारत को क्या मिलेगा हिंदू राष्ट्र जानने से मेरा प्रश्न भी है क्योंकि हम लोगों ने बहुत दे, नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से बहुत ही विकास नहीं कर पाया बहुत नीचे चला गया नेपाल इतना गरीब हो गया लोग बहुत ही उसमें उत्पीड़न में रहा तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना इसमें लोकतांत्रिक जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता शिक्षा हाँ रोज बहुत ही उन्नति कर रहा है हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी ना लोकतांत्रिक गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए लेकिन अभी ये जो साठ स साठ सत्तर वर्ष से जो है ना नया संविधान जो ब्रिटिश ब्रिटिश राज जाने के बाद इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा मेरा प्रश्न है वो तो इंडिया को डूबेगा डूब लेगा इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा मेरे हिसाब से इंडिया इंडिया नहीं रहेगा क्योंकि इतना वो आंतरिक कला भी होगा जय भीम जय भारत जय संविधान नमो बुद्धाय गौतम रत्न हेलो फ्रेंड्स वेलकम बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता बंधुता एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं खाता धारक गौतम रत्न खाता संख्या तीन एक छत छठ छ पाँच एक आई एफ एस सी कोड एस बी आई एन शून्य शून्य छीन तीन, तीन बैंक, बैंक। आप बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर नाइन एट वन डबल जीरो एट फाइव सेवन वन फोर और एट फाइव वन ट्रिपल जीरो फाइव सेवन वन फोर हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं गौतम फिल्म प्रोडक्शन पर जबीन जय संविधान जय भारत तमुक बुधाएं धन्यवाद